जस्ट बी कैजुअल, टॉक टू पीपल. आई थिंक यहाँ पे तुम्हारे पड़ोसी बैठे हैं. The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever. Hello everyone. Hope आप सबकी दिवाली खुशहाल रही. Hello everyone. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. कुछ बातें हैं जो दुनिया भर को परेशान कर रही हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन और आजकल का सबसे ज्यादा तड़कता भड़कता सबसे कॉमन जो सवाल चल रहा है कि क्या जो हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं वो एयर पोल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्या वो एयर प्यूरिफायर की जगह ले सकते हैं, और अगर वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं तो वो कितना कम करते हैं, उनकी इफेक्टिविटी कितनी है. इंडोर स्पेस यानी घर के अंदर दो तीन प्रकार के मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं. सबसे पहले VOCs. ये VOCs क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि एसीटोन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड्स. ये VOCs एसी, फर्नीचर, पेंट, हर चीजों से निकलता है. अगर आपके घर में प्रिंटर है, कंप्यूटर है, उन सारी चीजों से, इवन ड्राई क्लीन्ड कपड़े जो आते हैं उनसे भी निकलते हैं. अगर आप ज्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में इनको आप इनहेल करते हैं तो आपको डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जीज हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है. इसीलिए जो नई जगहें होती है जहाँ पेंट हो रहा होता है वहाँ कई लोगों को दिक्कत हो जाती है. वो स्मेल बहुत तेज होती है तो बहुत सारे लोगों से टॉलरेट नहीं होती, मेरे से भी नहीं होती. कई सारे रिसर्च हैं जो ये बताते हैं कि कुछ प्रकार के हाउस प्लांट्स हैं जो कि इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने में इफेक्टिव हैं. 2022 में स्टडी हुई थी जिसमें के इंडोर प्लांट्स ने नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक कंपाउंड है VOC, उस केमिकल को वो हटाता है, ऐसा देखा गया. काफी हद तक हटाता है. और उससे पहले भी कई सारी स्टडीज हैं जो ये देखी हैं कि कुछ प्रकार के प्लांट बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोर, इथिलीन जैसी चीजों को भी आपके आपके घर से कम करते हैं. 2019 में एक और स्टडी हुई जिसमें के कुछ और प्लांट्स, ये भी VOC जैसे कि टोलीन, ऑक्टेन, ट्राइक्लोरो इथिलीन को कम करते हैं. तो ये बहुत ही एक ग्रीन मेथड्स हैं. घर के अंदर थोड़े बहुत प्लांट्स होना अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी है, लेकिन जो गैसेस का अमाउंट वो हटाते हैं वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा कमरा है, कितना उसके अंदर वेंटिलेशन रेट है वहां से आने जाने वाली हवा का, और कई सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करेंगे. कई जगह ये भी बोला गया है कि रूम का टेम्परेचर, रूम का एरिया तो है ही, पर उसका टेम्परेचर कितना है, आप AC ज्यादा लगा रहे हैं या नहीं, उस पर भी काफी डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद वेंटिलेशन. तो रिसर्च ये बताता है कि अगर आप घर के अंदर बोटेनिकल प्लांट्स या बोटेनिकल बायोफिल्टर्स और एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम हो, क्योंकि जो VOCs, कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल कर रहे हैं वो भी आपके घर में इकट्ठा होता है, वो घर से बाहर निकलना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए. घर के अंदर खाना बनाने से भी कई सारे PM2.5 के, या कह लीजिए पार्टिकुलेट मैटर्स भी बनते हैं, कई सारी गैसेस बनती हैं जो घर से बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए वेंटिलेशन जरूरी है. और ये जो बॉटनिकल प्लांट्स हैं ये भी कुछ हद तक PM2.5 को कम करते हैं. इनको अगर वेंटिलेशन के साथ मिलाएं तो अच्छे लेवल पे आपका घर प्यूरिफाई रह सकता है, पर शर्त है कि बाहर का एनवायरनमेंट सही होना चाहिए. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां स्मॉग है, हेज है, या पोल्यूशन ज्यादा है, हाईवे के पास है और ऑयल रिफाइनरीज है, कोई फैक्ट्रीज हैं, तब नहीं. तब आपका खिड़की खोलना या तब आपके घर में बाहर की हवा आने से पोल्यूशन ज्यादा होगा, जैसा आज दिल्ली का हाल. बट क्या ये प्लांट्स PM2.5, PM10 इनको रिमूव करने में इफेक्टिव है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा इशू ही पार्टिकुलेट मैटर है. इसके ऊपर अगर आप रिसर्च देखें, इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है. ये PM2.5 पार्टिकल्स अपने आप में एक मेजर हेल्थ कंसर्न है और प्लांट्स के थ्रू उसको हटाने की कोशिश की गई. एक बंद एनवायरमेंटल चेंबर के अंदर PM2.5 डाला गया और प्लांट्स होते हुए और नहीं होते हुए कितना परसेंटेज आपके PM2.5 कम होते हैं वो देखा गया. इसमें क्या देखते हैं? क्लीन एयर डिलीवरी रेट देखते हैं और देखते हैं कि डिपोजिशन
वेलोसिटी कितनी है, यानी वो प्लांट जो है उस पीएम पार्टिकल को कितने तेजी से डिपॉजिट करवा रहा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं तीन चार प्लांट्स हैं जिनकी डिपोजिशन वेलोसिटी लिखी है। मॉस की है जो 93 सेंटीमीटर पर आवर है, और हमारे पास नीडल लीफ प्लांट है जो बहुत फेमस है, उसकी 29 to 37 सेंटीमीटर पर आवर है, और ब्रॉड लीफ प्लांट्स हैं जिनकी केवल 13, 13 या 1 और 2 सेंटीमीटर पर आवर। अगर हम इसका CADR निकालें, क्लीन एयर डिलीवरी रेट्स का मतलब है कितने बड़े कमरे के लिए वो काफी होंगे, तो CADR प्लांट्स का केवल 0.002 प्लस माइनस 0.004 मीटर्स क्यूब पर आवर है, ज्यादा से ज्यादा 0.084 मीटर्स क्यूब पर आवर, जो कि एक नॉर्मल फिल्टर बेस्ड एयर प्यूरिफायर अगर आप लेते हैं तो उसका CADR कहीं भी 100 से 800 तक हो सकता है, 100 से 800 तक CADR, और 0.01 से भी नीचे। तो इससे ये चीज समझ में आता है कि प्लांट, सिर्फ प्लांट बेस्ड सिस्टम जो है वो कन्वेंशनली रियलिस्टिकली आपके घर को साफ नहीं कर पाएगा, अगर खासकर आपके घर के अंदर आज के कंडीशन जैसे पोल्यूशंस हैं, या दिल्ली में आप, दिल्ली NCR में आप रहते हो, अगर आप सारी स्टडीज का कंबाइंड एनालिसिस करें तो एक सिंगल पॉटेड प्लांट जो है, या कह लीजिए वो अगर आप किसी VOC या किसी चीज को हटाने की कोशिश करेगा तो वो 10,000 गुना 1000 से 10,000 टाइम्स कम पावरफुल होगा किसी भी पर्टिकुलर हेपा फिल्टर के कंपैरिजन। सो थेरेटिकली अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही हम एयर प्यूरिफाई करेंगे, तो आपको लिटरली एक पूरे ग्रीन हाउस में रहना होगा, उस ग्रीन हाउस में रहते हुए थोड़ा कोई पर्टिकुलर रियल इम्पैक्ट होना पॉसिबल होगा। प्लस ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्रीन हाउस में या एक रूम जिसमें बहुत ही सारे प्लांट्स हैं उसका कोई डाउनसाइड नहीं है, उसका भी कुछ डाउनसाइड होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसी जो VOCs होती है, बेंजेनोइड्स और फिनाइल प्रोपेनोइड्स जैसी गैसेस छोड़ते हैं। दूसरा, प्लांट्स जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको मॉइस्चर ज्यादा चाहिए होता है, तो अगर आप कमरों में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर रखोगे तो आपके घरों में फंगस लगने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे अगर ज्यादा प्लांट्स होंगे। प्लस इंडिया जैसी सेटिंग में अगर प्लांट्स ज्यादा है तो आपके घर में मच्छर भी कंपैरेटिवली उतना ही ज्यादा आएगा पेड़ों के आसपास। और इंडोर प्लांट्स हर जगह पे मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मल्टीपल प्लांट्स रखें। दूसरा, इंडिया जैसी सेटिंग में मच्छर मक्खी भी उन प्लांट्स के आसपास कितनी ज्यादा होगी, उसके लिए आप अलग से अगर वो रिपेलेंट्स लगाएंगे या आप ऑल आउट जैसी चीजें यूज करेंगे तो वो अपने आप में ही आप एक और नया पोल्यूटेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एयर में। तो ऑल इन ऑल इंडोर प्लांट्स लगाना बिल्कुल एक आपकी चॉइस है, लेकिन उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना लिटरली बेवकूफी होगी। आप लगाना चाहते हैं, आपका शौक है, अपना शौक जरूर पूरा कीजिए, लेकिन उनको इस पर्पस से लगाना कि सिर्फ यही काफी है एयर प्यूरिफाई करने के लिए और इसके अलावा कुछ कोई सी और चीज की जरूरत नहीं है, इस वाले टाइम पे वो बात सही नहीं है, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं तो एयर प्यूरिफायर जरूर लें। अगर आप चाहते हैं कि एयर प्यूरिफायर्स के बारे में भी हम ऐसा ही एक वीडियो बनाएं डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।